नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आपका स्वागत है। और विधानसभा चुनावों का तीसरा चरण जो जम्मू कश्मीर में आज जो वो समाप्त हो चुका है और जो नई अपडेट जो है वो निकल कर जो सामने आ रही है वो हम आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरीके से जिला उधमपुर की अगर हम बात करें तो जिला उधमपुर के चार विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके से मतदाताओं ने अपने मत का दान किया है। लेकिन वहीं अगर जिस तरीके से सुबह से हम आपके साथ लगातार इस चुनावों से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे, लेकिन अभी की जो ताज़ा अपडेट है वो अपडेट हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे कि वोटिंग परसेंटेज जो वो कहाँ तक पहुँची है। तो इस बार जो वोटिंग परसेंटेज जो मैं आपसे जो शेयर करना चाहूँगा कि 76.03% जो है ये परसेंटेज जो इस बार वोटिंग की जो मतदाताओं द्वारा इस बार जो बढ़ चढ़ कर मतदान केंद्रों में जाकर जो अपने मत का प्रयोग किया है। और वहीं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उधमपुर वेस्ट से वेस्ट में लगभग 76.92% जो पोल हैं वो लोगों द्वारा जो है वो इलेक्शन में इस भाग लिया है और वोट जो है पोल हुए हैं। और वहीं अगर उधमपुर ईस्ट की बात करें तो 77.68% जो परसेंट वोट जो है वो पोल हुए हैं। और वहीं रामनगर की अगर हम बात करें तो रामनगर में 72.35% जो वोट पोल हुए। और वहीं चनैनी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 76.82 जो वोट जो है वो पोल हुए हैं परसेंटेज जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम चार विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो चार विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 76.3% जो मतदाताओं द्वारा इस इलेक्शन में जो भाग लिया है मतदान केंद्रों में जाकर अपने मत का दान किया है। लेकिन जहां पर मैं आपके साथ एक और जानकारी साझा करना चाहूँगा कि उधमपुर वेस्ट विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा पोलिंग स्टेशन जहां पर 100% जो मतदाताओं ने जहां पर अपने मत का दान किया है ये पोलिंग स्टेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल थाटा कोट, जहां पर 100% जो वोटिंग जो वहां पर पोल हुई है। ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है क्योंकि जिस तरीके से जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे दूरदराज इलाकों में भी जो वो स्वीप बैन की बात करें जहाँ और अन्य प्रोग्राम के माध्यम से सॉन्ग रिलीज किए गए, कई सारे सॉन्ग जो इलेक्शन के ऊपर बनाए गए ताकि लोग जो सॉन्ग सुनकर जो अपने मत के दान के लिए अपने घर से निकलें। स्वीप बैन के साथ साथ और कई प्रोग्राम जो है वो डीसी उधमपुर द्वारा जो चलाए गए ताकि मतदान करने के लिए मतदाता जो बढ़ चढ़ कर भाग लें। तो उसी के चलते ये पोलिंग स्टेशन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल थाटा कोट जहां पर 100% पोलिंग जो है वो जो मतदाताओं द्वारा वहां पर पोल जो वोटिंग जो है वहां पर की गई है। लेकिन जिस तरीके से इन विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें चार विधानसभा क्षेत्रों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि उधमपुर वेस्ट ईस्ट चनैनी और रामनगर की जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि उधमपुर वेस्ट में 76.92% जो वोट पोल हुए हैं और वहीं उधमपुर ईस्ट की बात करें तो 77.68 जो परसेंट वोट जो वो पोल हुए हैं। वहीं चनैनी की अगर हम बात करें तो चनैनी में 76.82% और रामनगर में 72.35% जो वोट पोल हुए हैं। और वहीं इस समय जो है वो जी जानकारी हमारे तक पहुंची थी वो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद जो है जितने ईवीएम मशीन्स हैं वो स्ट्रांग रूम में जो है वो जमा हो जाएंगे और उसके बाद 8 तारीख का अब जो है हम सबको इंतजार करना होगा कि 8 तारीख को कौन सा नुमाइंदा जो वो लोगों द्वारा उसे पसंद किया गया है उसके नतीजे जो है 8 तारीख को आने वाले हैं। अब जो वो ये वक्त बताएगा कि कौन सा नुमाइंदा कौन कौन सी पार्टियां कितनी सीट्स लेती हैं। लेकिन ये जानकारी हम आपके साथ जो साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से मतदाताओं द्वारा इन विधानसभा चुनावों में भाग लिया क्योंकि लगभग 10 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो देखा गया। और फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम वोटर्स द्वारा भी बढ़ चढ़ कर इन चुनावों में भाग लिया गया। वहीं महिलाओं की बात करें पुरुषों की बात करें या ओल्ड जो लोग थे उन बुजुर्गों ने भी इस इलेक्शन में जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और तब जाकर जी आज जो है चुनाव संपन्न हुए हैं। और अब 8 तारीख का इंतजार जो वो लोगों को भी होगा उधमपुर वासियों को भी होगा और जितने भी जो कैंडिडेट हैं उन्हें भी इंतजार होगा कि 8 तारीख को किसकी जो किस्मत है वो चमकने वाली है। लेकिन जी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे थे कि इस खबर को भी साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।